हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी बर्थडे वाला स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी है गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग बर्थडे वाला स्टेटस कैसे बनाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो गाइस आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने, तो गाइस एक बार जरूर सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर, आपको यहाँ आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड होने के बाद गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 16.9 को लेना है। लेने के बाद गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको बर्थडे वाला स्टेटस बनाना है। तो गाइस आपको यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बर्थडे टेम्पलेट, बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा पहले ही डाउनलोड, अगर नहीं डाउनलोड हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से हमको इधर चले जाना है गाइस। अब बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाकर एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद गाइस हमको बर्थडे का स्टेटस बनाना, हमको 10 सेकंड या 20 सेकंड का कर देंगे, हम 15 सेकंड का कर देते हैं। करने के बाद फिर से हमको ओके कर देना। ओके करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहां पर जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से आपको जो टेम्पलेट डाउनलोड करना था वो टेम्पलेट आपको डाउनलोड करके रखना है। मेरा पहले डाउनलोड है, देख लीजिए कुछ इस टाइप का टेम्पलेट है, इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको इसी पे क्लिक करके गाइस आपको क्या करना है, क्रोमा की में क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस आपको फिर से क्या करना है, फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मिडिल ऑप्शन पे जाके एक इमेज आपको ले लेना है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी इमेज है, तो हम जो मन कर अपना एक इमेज ले लेते हैं बस आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है, हम उसी इमेज को ले लेते हैं। लेने के बाद एक कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, तो आपको जो टेम्पलेट था उस क्लिक करके उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो फिर से हम इमेज पर अपने क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करने का कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का स्टेटस बन गया। तो इसको क्या करेंगे, खूब अच्छे से इसको बैठा लेंगे गाइस। बैठाने के बाद गाइस कुछ इस टाइप का हो जाएगा। होने के बाद गाइस आपको फिर से फोटो लेफ्ट क्लिक करके उसको लंबा कर देंगे, जितना बैकग्राउंड उतना कर देंगे। फिर से गाइस अगर आप लोग चाहे तो एक टेम्पलेट और लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे पास टेम्पलेट, हम उसको लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास एक टेम्पलेट था, हम इसको लगा लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। और इसके फिर से क्या करेंगे, इसी टेम्पलेट पे क्लिक करके हमको फिर से क्या करना है, ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर लेंगे, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर सॉन्ग भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।